Sharmaji, how does dark matter exist in the universe? Okay, what is their existence? How it came into being and how are they present in the whole universe? जो योगिक साइंस ये कह रही है कि जो डार्क एनर्जी है, जो ऊर्जा है, अज्ञान, जिसे अज्ञानता ऊर्जा शक्ति भी कहते हैं, अननोन एनर्जी, तो जो अज्ञानता की ये शक्ति है, वो ब्रह्मांड में, कंप्लीट ब्रह्मांड में कैसे उसकी स्थिति है जी। तो ये स्थिति जो डार्क की या अज्ञानता की बनती है, तो उसी तरीके की इसमें अनेक प्रकार के, जो हमने अभी एक पदार्थ बताया था कि पदार्थ जो है और एक उसमें जो ऊर्जा है, तो इसमें नाना प्रकार के पदार्थ होते हैं। इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के पदार्थ हैं, इतने प्रकार के पदार्थ हैं कि उनकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती और उनकी गिनती भी नहीं हो सकती है, उनके प्रकार नहीं पता किए जा सकते कि कितने प्रकार के ये पदार्थ हैं। और ये पदार्थों की जो अपनी अपनी ऊर्जा है, ये ऊर्जा भी इनकी नाना प्रकार है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की ऊर्जा, क्योंकि जो ऊर्जा की ऊर्जा गतिमान हो रही है, उनके अपने अनेक दायरे हैं। तो जो दायरे हैं अनेक ऊर्जाओं के, अपने अनेक ऊर्जा शक्ति कहीं पर भी आधारित होती है पदार्थ पे, तो ये पदार्थ भी नाना प्रकार हैं और उनकी शक्तियाँ भी उनकी नाना प्रकार हैं। तो इसमें अगर हम किसी छोटे से एक उदाहरण को देखें कि जैसे यहीं पर बैठ करके देखें कि ये जो हवा है, हवा में यहाँ नाना प्रकार के अंडे हैं, तो नाना प्रकार के जो अंडे हैं वो पदार्थ हैं और जो पदार्थ हैं उन पर नाना प्रकार की शक्ति है, क्योंकि शक्ति मैंने पहले बताया कि एक एक लाइन पहले लगती, फिर बाद में इतनी गति हो गई कि वो कंप्लीट एक लाइन हो गई है। तो कंप्लीट एक लाइन इसलिए वो गति हो गई कि एक की ऊर्जा, एक की जो शक्ति है वो अपनी होती है। और जब कभी बहुत बड़ा कोई यूनिवर्स हो या को बहुत बड़ा कोई ग्रह है, तो ग्रह की अपनी सुरक्षा कवच, उसकी शक्ति एक होती है। तो एक शक्ति और यहाँ छोटे में एक शक्ति, इनमें कोई मतभेद नहीं, वो इतने बड़े ग्रुप को, झुंड को कंट्रोल करती है। इसलिए ये हमने जो आपको एक उदाहरण दिया कि ये दृश्यमान है जिसको हम देख सकते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। तो इसमें जो हवा है, इस हवा में ऐसी इतने अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, अंडे हैं, तो जिन्हें हम आत्मा पहले से बोल रहे हैं, तो अनेक प्रकार के इनमें अंडे हैं, तो अनेक प्रकार की उनकी अपनी ऊर्जा है, अपनी अपनी उनकी ऊर्जा है। तो वो अपने अपने ऊर्जा में, अपने अपने पदार्थ अपनी अपनी ऊर्जा के साथ स्थित हैं, उनके भी अपने एक ग्रुप हैं, उनके भी अपने ये जो पदार्थ हैं सारे जी, ये बने हैं या पहले से बने हुए हैं, अपने आप ही हैं वो? ये जो पदार्थ, जहाँ मैंने निर्माण की बात कर रहे थे, तीन की जो प्राकृतिक जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, और उन्हीं प्रकार के ये ऊर्जा के अनेक लाइनिंग होने से, अनेक उसकी कंट्रोलिंग लाइनिंग होने से पदार्थ पे, और पदार्थ के चलने से उतने ही प्रकार के ये पदार्थ और उतने ही प्रकार की ये ऊर्जा वहाँ से तय की गई है बेस में, बिल्कुल पहले। इसका मतलब पदार्थ तो पहले से है ना? पदार्थ है पहले, पदार्थ से पहले से है हाँ, मगर पदार्थों के प्रकार नहीं है, प्रकार पहले से नहीं है, प्रकार जो एनर्जी है उस पे डिपेंड करते हैं और पदार्थ पे डिपेंड करते हैं और उसे आधारित हैं, पदार्थ पे आधारित हैं कि पदार्थ कितना चल गया आगे और ऊर्जा ने उसको किस तरीके से कंट्रोल किया है, किस कहाँ पे लाइन उसकी रही और कि ये लाइन में कितना अंतर आया, ये अंतर जो आया है, ये अंतर उसकी ब्राइटी है, मतलब उसकी प्रकार है, इतने प्रकार अगर करते जाएं तो अनगिनत प्रकार हैं जिसे नाप पाना किसी भी यंत्र के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ से ये चीज़ जो ऊर्जा की है, ये ऊर्जा की जो चीज़ ये आ रही है सामने,
ये पदार्थ पे ही और दोनों को साथ मिलकर के ही ये इस यहाँ पे। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपका वायुमंडल का दिया कि इस वायुमंडल में अनेक प्रकार के शरीर हैं, तो इनको हम देख नहीं सकते, ये ग्रुप हैं। तो ग्रुप को हम जो ग्रुप हमें बहुत ज़्यादा जिसमें हार्ड है, जिसमें सख्त हैं, उसको हमने पृथ्वी की तरह देख लिए, मगर इनकी इनकी आप ग्रुप किस तरीके से देखेंगे, किस एंगल से देखें, किस दृष्टि से, किस दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर आप इससे भी बाहर चले जाएं और अंतरिक्ष में बिल्कुल चले जाएं, जब अंतरिक्ष में नाना प्रकार के पदार्थ हैं और उसमें नाना प्रकार की शक्ति है, तो जो वो ऊर्जा शक्ति है, नाना प्रकार की शक्ति है, उसको आप कैसे कैसे देखेंगे, इतने यंत्र और इतने बारीकी यंत्र कहाँ से लाएंगे और किस तरीके से देखेंगे, इतने गतिमान यंत्र कहाँ से लाएंगे और इतनी सूक्ष्म शब्द को पकड़ने के यंत्र कहाँ से लाएंगे, क्योंकि शब्द तो वहाँ हो रहा है और वहाँ गति तो हो रही है, और स्लो गति भी हो रही है, तीव्र गति भी हो रही है। तो इसलिए इसको पकड़ पाना, यंत्र को बनाना असंभव चीज़ है, इसलिए इसको अज्ञान कह करके, और हम अज्ञान कह करके साथ भी अपना स्पष्ट कर देता है, पल्ला झाड़ लेता है, और इसमें साइंटिस्ट भी हमारा ख्याल अज्ञानता को कह करके या डार कह करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अच्छा, यदि कोई ये पूछे कि जो एनर्जी है और पदार्थ है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो उसको कैसे बताया जा सकता है? हाँ, उनको ऐसे बताया जाता, जो एनर्जी है वो एक गति से, गति के कारण गति बाहरी कवर पे लाती है, बाहर क्षेत्र में, बड़े दायरे में है, बड़े दायरे में है। मगर अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ अपने अंदर में ही गति को रखे हुए है, बाहर नहीं दिखा रहा है। जो बाहर से कंट्रोल कर रहा है, जो बाहर जीत दिखा रहा है, वो नियंत्रण कर रहा है। वो किस चीज का बना हुआ जो पदार्थ है? पदार्थ जो, अच्छा, पदार्थ के वो जिसे हम अंडा कहते हैं बार बार, जो पदार्थ है उसमें नीचे की तरफ लिक्विड है और उतना ही ऊपर 50% है वो उसमें स्पष्ट है कि यहाँ पर जीव जो है स्पष्ट है। जीव मीन्स जो पहले हम चतुर्भुजा करें उसका अति सूक्ष्म रूप। तो अति सूक्ष्म रूप होने की वजह से उस अंडे में मौजूद हैं, अनगिनत मौजूद हैं। तो वो अनगिनत बस अपनी जगह पे कन्वर्ट होते हैं, एकदम लिक्विड में नीचे की तरफ जाते हैं, फिर वो निराकार में बाहर की तरफ आते हैं। जो लिक्विड में नीचे की तरफ रहते हैं वो वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते। अब दिखाई जहाँ नहीं पड़ते हैं उसे अज्ञानता कह दिया जाए, या उसे डार्क एनर्जी कह दिया जाए, उसे अगर चुंबकीय सिस्टम केंद्र कह दिया है, नीचे की ओर केंद्र है, तो उसे ये कह दिया जाए ऊपर जो पावर। तो ये इसकी क्रिएटिंग करने का ये यहाँ से तरीका निकलता है कि ये उसका ढंग है निकलने का, नेगेटिव पॉजिटिव और उसकी जो चुंबकीय सिस्टम है और उसकी ये एनर्जी जो घूम रही है और उसमें जो आपस में अंदर पलट रही, इनको सारे को मिला करके वो एक किसी चीज़ को क्रिएट करने में क्षमता रखते हैं, बना डालेंगे वो किसी चीज को भी, वो पूरे ब्रह्मांड को बना सकते हैं। और अनेक और उनके ये गति की वजह से, ये उनकी भिन्नता है और ये भिन्नता की वजह से ये ब्रह्मांड पूरा भिन्न में है। अभी इतना गहराई में कोई नहीं दिखाई देता है तो फिर ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उनकी आंखों की गलती है जिससे वो चीज़ नहीं दिखाई देती, मगर मुझे तो दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई देती है। तो ये इसमें ये कंप्लीट ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ कि ब्रह्मांड के अंदर इस तरीके की ये एनर्जी और ये पदार्थ वहाँ पे मौजूद हैं। राइट, नाउ वी कैन से होपफुली दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर एंड हाउ आर दे सिचुएटेड इन द होल यूनिवर्स। It must have been clear from this discourse. Now further, we will talk more about dark energy and dark matter.